बारिश पूर्व शहर के नालों की सफाई कराने में भाजपा बोर्ड नकारा साबित हुई। भाजपा बोर्ड द्वारा सफाई के नाम पर 3 गुना ज्यादा करोड़ों खर्च करने के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया, जिसमें परिणाम स्वरूप आज स्थिति भयावह है। यदि अब भी ध्यान नहीं दिया गया तो महापौर की अनदेखी और अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस बारिश में भी लोगों के घरों में गंदा पानी घुसेगा और लोग पलायन को मजबूर होंगे। शहर के 5 बड़े नाले चौक हैं। जरा भी बारिश आए तो कॉलोनियों और बस्तियों को जलमग्न होने में देर नहीं लगेगी। रहवासियों ने बताया कि नाले में कचरा होने के कारण गंदगी पसरी हुई है। नाले का पानी चौक हो जाने के कारण बोरिंग तथा कुओं में भी गंदा पानी आ गया है। बच्चे बड़े बीमार हो रहे हैं। बदबू के कारण बुरा हाल है। पहले भी नालों की सफाई नहीं होने के कारण बारिश में परेशानी आई थी और घरों में पानी घुसा था। घरों में सांप, डेंडू और जहरीले जानवर घुस गए थे। अभी ऐसा लगता है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण हमें घर खाली कर इधर उधर जाना होगा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि नगर निगम में बारिश के पूर्व सफाई होना चाहिए, वो नहीं हुई। 15 दिन पहले ही कांग्रेस पार्षद दल ने ज्ञापन देकर नालों की सफाई कराने की मांग की थी। शहर के नानाखेड़ा क्षेत्र, ऋषि नगर, विश्वविद्यालय क्षेत्र, महाकाल क्षेत्र सहित 5 बड़े नाले दुर्दशा के शिकार है, जो ब्लॉक पड़े हैं। रुद्रसागर के समीप तो महाकाल मंदिर आने जाने का रास्ता है, जहाँ की सड़ान देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु अनुभव कर रहे हैं। राजेंद्र वशिष्ठ ने कहा कि क्षिप्रा में खान नदी का पानी भी मिल रहा है और वही पूरे शहरवासियों को पिलाया जा रहा है। शहर के सारे नाले क्षिप्रा नदी में मिल रहे हैं और स्मार्ट सिटी के नाम पर तथा सिंहस्थ के नाम पर करोड़ों खर्च हुए और स्थिति जस की तस है। नहीं, बहुत गंदा पानी आ रहा है नल में। पहली बात तो नल का पानी सफा करो, नल का पानी पी रही है जनता, बीमार हो रही है सारी जनता, मरेगी, बीमार होगी, इसका कोई वो नहीं आएगा है। और पहली बात फिर नाला साफ करो, ये जनता को परेशानी आ रही है, बच्चों को परेशानी आ रही है, जब बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये घर में बारिश का पानी गुजर रहा है, हमारे कुओं में नाले का पानी आ रहा है, आप जाके देख लो, हम झूठ बोल रहा हूँ। इतनी बदबू आती है कि हम रोजे से है, रोजदार है, पर हमारे को इतनी बदबू आती है कि हम नाक नहीं दे सकते। आप अभी अभी आए होंगे, आपको मालूम होगा, आप भी को बात आ रही होगी, ये थोड़ी कहीं आ रही होगी। नगर निगम में जो बारिश की पूर्व सफाई व्यवस्था की जाना चाहिए वो की नहीं गई, और करीब 15-20 दिन पहले भी हमने कांग्रेस पार्षद दल ने ज्ञापन दिया था बारिश की पूर्व की तैयारियों के संबंध में। हमने देखा कि इस संबंध में कोई कार्रवाई नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नहीं की गई, और आज नगर की जो प्रथम नागरिक हैं और जिनके नेतृत्व में नगर निगम का बोर्ड चल रहा है, आज उनने खुद ने स्वीकार किया है कि हम समय पे अधिकारियों को से बात करते हुए बताया है कि वे अभी तक नालों की सफाई नहीं हुई, बारिश सर पर है। ये एक ऐसा नाला है, इसके जैसे 5 नाले पूरे शहर में हैं और 5ों नालों की तकरीबन यही स्थिति है। और आपको ध्यान होगा, पहले कॉलोनियों में पानी भरा, इन बस्तियों में पानी भरा। उन पानी भरने का मुख्य कारण यही है कि जो बड़े बड़े नाले हैं, हमने उनकी समय पर सफाई नहीं की, इतने कचरे से भरे हुए हैं, और एकदम बारिश आएगी, पानी निकल नहीं पाएगा और फिर घरों में भराएगा। यही स्थिति हम जो नानाखेड़ा क्षेत्र में बड़ा नाला बना है, जो RTO ऑफिस के सामने नाला बना है, उसकी भी यही स्थिति है। ऋषि नगर आपने देखा, विक्रम विश्वविद्यालय देखा, पानी भरा हुआ था पिछली बारिश के पहले वाली बारिश में। अगर इतनी तेजी से बारिश आती है तो फिर यही स्थिति बनेगी। नाले से बहुत दिक्कत है, नाले का कचरा नहीं वो होता है, इससे होल में भी जाता है गंदा पानी, और पानी पीने के और बहुत गंदगी करते हैं, और ये डब्बे को रोज के रोज नहीं सफाई करवाएं। और बारिश में बहुत दिक्कत आती है, बहुत गंदी वाला होता है, बारिश में भी दिक्कत आती है, घर में पानी घुस जाता है, ये कचरा नहीं निकलता, उससे इतना पानी रहता है घर के अंदर, बेचारे इधर उधर भागते फिरते हैं हमारे को सब में, इतने और कीड़ा आते हैं, सांप आ जाते हैं, डेंडू आ जाते हैं घर के अंदर, इतना पानी घुसता है इस नाले की वजह से। उस पे खड़ा हो जाओ, उस पे ऐसे आ जाओ, आप लोग आ जाओ, थोड़ा उधर चले,